चैनल आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूटीन जो है आपका एक नेचुरली अकरिंग बायोफ्लेवोनॉइड है जो कि आपको वेरियस सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। ठीक, ये रूटीन जो होते हैं वो आपको बहुत सारे प्लांट से मिल सकते हैं और स्पेशली ये आपको मिलता है बकव्हीट प्लांट जो कि साइंटिफिक नेम है जिसका फैगोपाइरम स्कुलेंटम जो कि आपको पॉलिगोनेशिया फैमिली को बिलोंग करता है। रूटीन आपको एक पेल येलो क्रिस्टलाइन निडल जैसे होता है अपीयरेंस में और ये आपका वाटर इथर पेट्रोलियम इथर और क्लोरोफॉल में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है और इथेनॉल में सॉल्युबल होता है। ये आपको बहुत सारे डिसीज कंडीशन जिसमें कि वो कैपिलरी ब्लीडिंग को रिड्यूस करता है काफ़ी हद तक। अब आइसोलेशन ऑफ रूटीन, रूटीन को हम दो मेथड से आइसोलेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जिसमें कि हम एक वेइंग क्वांटिटी लेते हैं किसी सिट्रस फ्रूट पाउडर का या फिर फैगोपाइरम का और फिर उसको इथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉक्सलेट एपरेटस में 12 आवर्स के लिए। ठीक, तो हम जो मिक्सचर आता है उसे हम फिल्टर कर लेते हैं और उसके अंदर 25 ml ऑफ वाटर ऐड करते हैं जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है। ठीक, उसके बाद वो जो रिएक्शन मिक्सचर हमें वाटर ऐड करने के बाद मिला उस रिजल्टिंग मिक्सचर को ट्रीट करते हैं पेट्रोलियम इथर से सेपरेटिंग फनल यूज करके। ठीक, और फिर उसके बाद हमको दो लेयर मिलती है, पहली होती है पेट्रोलियम इथर की लेयर और दूसरी एक्वस लेयर। तो हम पेट्रोलियम इथर को फिर हम सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद फिल्ट्रेट को मतलब जो एक्वस लेयर हमें मिली है उसको हम क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं और उसके बाद फिर हम जो क्लोरोफॉर्म लेयर होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें फाइनली क्या मिला है, एक्वस लेयर। तो उस एक्वस लेयर को 72 आवर्स के लिए हम कोल्ड में रख देते हैं। 22 आवर्स के बाद हमें एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, तो उस येलो प्रेसिपिटेट को हम सेपरेट कर लेते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं हम हॉट मेथेनॉल में। ठीक, उसके बाद डिसॉल्व करने के बाद हम फिर उसको फिल्टर करते हैं और जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है उसको तब तक इवोपरेट करते हैं जब तक कि वो कंप्लीट ड्राई ना हो जाए और कंप्लीट ड्राई होते ही हमें येलो पाउडर मिलता है रूटीन का। ठीक, सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं कि एक फैगोपाइरम पाउडर का वेइंग क्वांटिटी लेते हैं और उसको फिर डीफैट करते हैं मतलब उसमें से फैट का रिमूवल करते हैं एन हेक्सेन की हेल्प से, फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं और जो हमें मार्क मिलता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं और उस मार्क को फिर हम 90% अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं 1 आवर के लिए। उसके बाद फिर हम उसे फिल्टर कर लेते हैं और जो सॉल्वेंट होता है उसको इवोपरेट करते हैं ताकि हमें एक ड्राई रेसिड्यू मिल सके। ठीक, फिर उस ड्राई रेसिड्यू को हम 30% एसीटोन में डिसॉल्व करते हैं और फिर उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। ठीक, अब जो हमें सॉल्वेंट मिला है उसको फिर हम इवोपरेट करते हैं जब तक कि उस वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/4 वॉल्यूम ना हो जाए। ठीक, फिर उसके बाद जब वो 1/4 वॉल्यूम हो जाता है तो उसमें हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं बोरैक्स का और उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक, मिक्स करने के साथ ही हम उसका पीएच 7.5 मेंटेन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमें जो मिक्सचर मिलता है उसमें हम NaCl ऐड करते हैं स्टरिंग के साथ मतलब हिलाते हुए और फिर उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिर जो फिल्ट्रेट मिलता है उसको एसिडिफाई करते हैं फॉस्फोरिक एसिड से पीएच 5.5 तक और फिर उसको 15 मिनट तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं विद स्टरिंग के साथ। फिर हम उसको फिल्टर कर लेते हैं और जो रेसिड्यू होता है उसको 20% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से वॉश करते हैं। फिर से हम फिल्टर कर लेते हैं और जो फिल्ट्रेट होता है उसको फिर से इवोपरेट करते हैं हम उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/4। ठीक, जब वो आपको रिजल्टिंग 1/4 वॉल्यूम मिलता है तो उसमें हाइड्रोक्लोराइड डालते हैं जब वो थोड़ा सा हल्का गुनगुना होता है तभी और जब तक कि उसका पीएच 1.5 ना पहुंच जाए। उसके बाद उसे कूल करते हैं और फिर एक रेफ्रिजरेटर में रात भर के लिए उस लिक्विड को छोड़ देते हैं। सुबह ऑब्जर्व करने पे हमें उसमें रूटीन का क्रिस्टल मिलता है। ठीक,
अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ रूटीन। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका सिनोडा टेस्ट। सिनोडा टेस्ट में हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, उसमें 3 ml इथेनॉल डालते हैं, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं और मैग्नीशियम टर्निंग्स डालते हैं 0.5 ग्राम। तो जो रिजल्टिंग रिजल्ट हमें मिलता है उसमें जो सॉल्यूशन होता है उसमें पिंक कलर डेवलप होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें रूटीन प्रेजेंट है। सेकेंड में क्या करते हैं कि सैंपल को लेते हैं और उस सैंपल में लेड एसिडेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है आपका सैंपल को लेते हैं, उसमें फिर फेरिक ट्राइक्लोराइड डालते हैं, तो हमें डार्क ग्रीन कलर का ऑब्जर्वेशन मिलता है उसमें, ठीक है। फोर्थ टेस्ट में हम क्या करते हैं कि सैंपल लेते हैं, फिर उसमें अमोनियम मोलिब्डेट डालते हैं और फिर एंटीमोनी ट्राइक्लोराइड डालते हैं, तो हमें येलो ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा हम आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस TLC और पेपर क्रोमैटोग्राफी के थ्रू भी कर सकते हैं और स्पेक्ट्रोमेट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। TLC में बेसिकली हम एक प्री कोटेड एल्युमिनियम शीट लेते हैं सिलिका जेल जी के साथ, मतलब सिलिका जेल जी की एक कोटिंग होती है एल्युमिनियम शीट पे। मोबाइल फेस के रूप में हम इथाइल एसिटेट, ब्यूटेनॉन, फॉर्मिक एसिड और वाटर इन द रेशियो 50:30:10:10 के रेशियो में लेते हैं, या तो फिर हम दूसरा मोबाइल फेस भी ले सकते हैं, इथाइल एसिटेट, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, वाटर 100:10:11:27 के रेशियो में, ठीक। उसके बाद हम पास कराते हैं तो हमें आपको स्पॉट विजिबल होता है, जिससे कि हम RF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। पेपर क्रोमैटोग्राफी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी फेस के रूप में फिल्टर पेपर लेते हैं और मोबाइल फेस के रूप में एसिटिक एसिड, वाटर 15:85 के रेशियो में, या तो फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और वाटर 60:40 रेशियो में, और फिर हम उसको रन करते हैं सैंपल को स्पॉट करके फिल्टर पेपर पे रन करते हैं, तो हमें आपको स्पॉट मिलता है जो कि इंडिकेट करता है कि रूटीन प्रेजेंट है और RF वैल्यू हमें कंपेयर करने से स्टैंडर्ड कंफर्मेशन मिलती है। सेकंड है आपका स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, जिसमें कि हम जो सैंपल होता है उसको मेथेनॉल में डिजोल्व करते हैं और फिर उसको अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर देखते हैं। तो ये था अबाउट आपका आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ रूटीन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।